गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन. एवरी डे वी कम अक्रॉस अ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल, ग्राफ्स एट्सेट्रा. सो हमारी एवरी डे लाइफ में, मतलब हमारी डेली की लाइफ में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर होता है वो है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, टेबल और ग्राफ के फॉर्म में. These are provided by newspaper, television, magazines and other means of communication. ये कहाँ से provide होता है हमें? Newspaper के through मिलता है, television में जैसे news हम देखते हैं, magazines पढ़ते हैं, other means of communication maybe किसी के द्वारा भी पता चलता है, ठीक है. These may related to cricket batting or bowling, average profit of a company, temperature of cities, expenditure in a various sector of a 5-year plan, polling result and so on. So ये किससे related होता है ये सारे informations जो हमें हम पाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, किस से related होते हैं? Cricket batting, ठीक है, bowling average, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये जो डेटा है ये सारे डेटा किसके होते हैं? जैसे क्रिकेट के हो गए, क्रिकेट से रिलेटेड, कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए, टेम्परेचर हो गया अपनी सिटी का, एक्सपेंडिचर हो गया किसी भी फील्ड का जो सेक्टर है, 5-year प्लान उसका, ठीक है, एंड पोलिंग रिजल्ट्स. दीज फैक्ट्स ऑफ फिगर विच आर न्यूमेरिकल ऑफ अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पज आर कॉल्ड दी डेटा. और ये जो फिगर हम ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड दी उसको डेटा बोला जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में चीज़ें हो, दैट इज कॉल्ड दी डेटा. डेटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड फ्रॉम डेटम. ऑफकोर्स द वर्ड डेटा इज नॉट अ फ्यू फॉर यू, यू हैव अ स्टडी अबाउट डेटा एंड डेटा हैंडलिंग इन ईयर अर्लियर क्लासेस, ठीक है. सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का मीन क्या है? अवर वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड. हमारा जो वर्ल्ड है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, मतलब हर जगह का डेटा, अलग अलग डेटा जो हम जानते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड. एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स यूटिलाइजेज डेटा इन वन फॉर्म और द अदर. So it become essential for us to know how to extract meaningful information from such data. So ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम exact, मतलब exact और अच्छा meaningful information हमें मिले. These extraction of meaningful information studied in a branch of mathematics called statistics. और ये जो information हमें कौन से जो math में भी अलग अलग branches होते हैं, right? एक स्टैटिस्टिक है पोर्शन जिसमें हम ये सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, ठीक है. द वर्ड स्टैटिस्टिक अपीयर टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग द पॉलिटिकल स्टेट. लैटिन वर्ड है ये और ये किसका है? पॉलिटिकल स्टेट का. ओके, नाउ अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कलेक्शन ऑफ डेटा. एक्टिविटी वन लिखा है, डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन फोर ग्रुप्स, अलॉट ईच ग्रुप ए ऑफ कलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डेटा. हमारे पास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट को हमें फोर ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है. हाइट ऑफ ए 20 स्टूडेंट फॉर योर क्लास, पहला क्या है? हाइट के अकॉर्डिंग. नंबर ऑफ एबसेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ, एक महीने में जितने एबसेंट हुए उनका डेटा, मतलब ए बी. पहला क्या है? स्टूडेंट के हाइट से. दूसरा एबसेंटीज कितने हैं. नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिलीज ऑफ योर क्लास, क्लासमेट्स. दूसरा नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब क्लासमेट के जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं उनका एक ग्रुप बनाना है. हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल. अब 15 प्लांट्स जो हाइट के अकॉर्डिंग जो आपके स्कूल में है उसका एक ग्रुप बनाना है, ठीक है.
Let us move to results students have gathered. How did they collect their data in each group? तो collection of data का मतलब आप समझें कि हमारे पास कुछ given है, मान जैसे ये student, for example, यहाँ पे student 20 students है, उसको कैसे कैसे हमें किस किस category में divide करना है वो हमें बताया गया है, ठीक है? Collection of data का मतलब ये होता है. Now presentation of data क्या होता है? As soon as the work related of collection of data is over, the investigator has to find the way to present them in the form which is meaningful. Meaningful, easily understand and gives the main features of a glance. Let us recall the various ways of presenting the data through some example. ठीक है, पहले हमने सारे डेटा को कलेक्ट किया अलग अलग फॉर्म्स में दे करके. नाउ हाउ टू प्रेजेंट, और हमको उसको प्रेजेंट करना है. प्रेजेंट करने का मतलब ये होता है ना कि आपके सामने जो भी चीज़ रखी जाए वो आपको समझ में आ जाए, मतलब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? वो आपको तुरंत ही समझ में आए, मतलब वो मीनिंगफुल भी हो आपके लिए और ईजिली टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, आप उसको ईजिली समझ भी पाओगे. ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है. एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन बिलो. मेरे पास मार्क्स है 10 स्टूडेंट के, ठीक है, गिवन है 55, ये सारे नंबर्स हैं 55, 36, 95, 73, ये सारे नंबर्स हैं 10 स्टूडेंट्स के. द डेटा इज़ इन फॉर्म इज़ कॉल्ड द रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब ये प्रेजेंटेबल नहीं है अच्छे से, इसको अनऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है. ठीक है, अगर यही चीज़ ऑर्गेनाइज वे में होता तो आपको ईजिली समझ में आता, बट अनऑर्गेनाइज वे में है. ठीक है, बाई बुकिंग एट इट इन द इन दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क. आप ऐसे देख करके क्या इसमें फाइंड आउट कर सकते हो हाइएस्ट और लोएस्ट मार्क कौन सा है? ऑफकोर्स हमें मिल तो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा हमारे लिए वो टाइम टेकिंग है. ठीक है, डिड इट टेक यू सम टाइम्स टू सर्च फॉर देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर? वुड नॉट इट बी लेस टाइम कंज्यूमिंग इफ दीज स्कोर्स वेयर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? सो लेट अस अरेंज द मार्क इन असेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए, अगर यही चीज अब हम इसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दें तो ईजिली वी फाइंड द नंबर. ठीक है, हमें जो मार्क्स बताने हैं वो हमको ईजिली मिल जाएगा. तो अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. फर्स्ट 25, 36, ये सारे नंबर जो हैं इसको हमने अरेंज कर दिया किस फॉर्म में? असेंडिंग फॉर्म में.